इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके इस पोर्टल पे आ जाना है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके गाइडलाइन पढ़नी है, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दी गई है। इन दोनों ही नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ के समझ लेना है आवेदन करने से पहले। उसके बाद 12 के बाद अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये 4 ईयर लेना है, और ग्रेजुएशन के बाद भर रहे हैं तो 2 ईयर ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ईयर के अंदर ग्रेजुएशन होना आपका ज़रूरी है और 4 ईयर के अंदर 12th पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 2 ईयर का फॉर्म भर के बताने वाला हूँ, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ये वाला ऑप्शन है, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद पेमेंट होने के बाद उसकी प्रिंटआउट का स्टेटस देखना, फिर फॉर्म की प्रिंटआउट निकालने के लिए ये वाला ऑप्शन है और पेमेंट की प्रिंटआउट निकालने के लिए ये वाला ऑप्शन है। तो फॉर्म भरने के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कुछ मैसेज आएंगे, इसको पढ़ के ओके पे क्लिक कर लेंगे अच्छी तरीके से समझने के बाद। उसके बाद जिसका फॉर्म भरे हैं वो अपना नाम यहाँ पे लिखना है, उसके फादर्स का नाम यहाँ पे, और डेट ऑफ बर्थ के अंदर डे लेना है, महीना लेना है और ईयर लेना है। फिर पेमेंट ऑप्शन के अंदर ईमित्र सालान या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो इनका सिलेक्शन आप कर लेंगे। फिर मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मदर्स का नाम लिखना है, मदर्स नाम के आगे जस्ट, और उसके बाद जो ओटीपी नंबर आपके मोबाइल पे भेजे गए हैं वह ओटीपी नंबर जस्ट यहाँ पे दर्ज करेंगे। ओटीपी नंबर दर्ज करने के बाद 100 KB साइज़ का एक पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है फ़ोटो कैसा होना चाहिए। तो सूज फाइल पर जस्ट क्लिक करेंगे, फ़ोटो का सिलेक्शन करेंगे, और फ़ोटो का सिलेक्शन करते ही इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जो कि ब्लू या फिर ब्लैक मार्कर पेन से किए हुए होने चाहिए, 50 KB साइज में स्विच फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो ब्लू या फिर ब्लैक इंक पेड से किया हुआ होना चाहिए, 100 KB से कम साइज का, तो ये यहाँ पे अपलोड कर लेंगे आप, लेफ्ट थंब आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। ये सभी अपलोड होने के बाद जस्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे फोटो दिखाई देगा, यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे थंब, इसकी जांच करेंगे, गलत है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे नाम, पिता का नाम वगैरह आ जाएगा। अब जेंडर का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लेना है, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड आप यहाँ पे ले लेंगे। अगर मैरिड लेंगे तो यहाँ पे विवाहित महिलाओं के लिए हस्बैंड का नाम डालना होगा, अगर कोई पुरुष मैरिड लेता है तो यहाँ पे हस्बैंड नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लेने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे पहले बेसिक डिटेल कंप्लीट देख लेनी है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप अपना स्टेट ले लेंगे, कौन से स्टेट से हैं, फिर आप जिला ले लेंगे, आपका जिला कौन सा लगता है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की कैटेगरी लेनी होगी, तो ये कैटेगरी वाला भाग है, तो यहाँ पे ST SC OBC कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वह ले लेना है। तो जनरल है, EWS है, OBC क्रिमिनेयर, नॉन क्रिमिनेयर, SC ST सब कैटेगरी दी गई हैं, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं जनरल ले लेता हूँ, उसके बाद अल्पसंख्यक हैं तो यस लेना है, नहीं है तो नो लेना है, जैसे जैन है, मुस्लिम वगैरह हैं वो। ST लिया है तो यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी लेनी होती है, वो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद तलाकशुदा कोई महिला है तो यस यहाँ पे ले सकती हैं, विधवा महिला यहाँ पे यस ले सकती हैं, रक्षाकर्मी के आश्रित हैं तो यहाँ पे यस ले सकते हैं, वरना फिर नो ले लेंगे। अगर हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे यस ले लेंगे, दिव्यांग हैं तो, अगर दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पे नो ले लेंगे। अगर यस लेंगे तो 40% अधिक का विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए और यहाँ पे आपको दिव्यांग की कैटेगरी लेनी होगी। फिर यहाँ पे 2 लाइनें दी हुई है, इसके अंदर आप कंप्लीट अपना एड्रेस फिलअप कर लेंगे, लाइन फर्स्ट और सेकेंड के अंदर। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो, फिर यहाँ पे स्टेट, जिला व पिन कोड लिख लेंगे। परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे पत्रासार का दूसरा पता लिखना है, तो यहाँ पे वापस 2 लाइन दी हुई, इसके अंदर एड्रेस लिखेंगे, फिर वापस पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, फिर स्टेट लिखेंगे, जिला लेंगे, पिन कोड लेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज कर लेंगे, मोबाइल फोन नंबर अपने आप आ जाता है तो फिलअप करने की जरूरत नहीं है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट, तो यहाँ पे कॉमर्स हैं आपके ग्रेजुएशन पे, यानी कि BA BSc या फिर BCOM कर रखी हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले लेंगे। तो यहाँ पे आर्ट्स है तो आर्ट्स, साइंस है तो साइंस, और कॉमर्स है तो कॉमर्स आप ले लेंगे। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो यहाँ पे कुछ एक सब्जेक्ट गाइडलाइन दी गई है, यानी कि आपको सोशल स्टडी सब्जेक्ट कब लेना है और सिविक्स कब लेना है, यानी कि सोशल स्टडी सब्जेक्ट लेना है, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन स्तर पे लिए हुए हो तो आपको ये लेना है। इसी प्रकार से जो सिविक्स कब लेना है, तो यहाँ पे Any 1 सब्जेक्ट फॉर्म, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप हैं तो आपको ये लेना है, वरना फिर लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं पब्लिक, तो वो लेना है।
फिर यहाँ पे कोर्स कौन सा था बीए के अंदर, आर्ट्स के अंदर, तो वो आप यहाँ पे ले लेंगे, बीए बीए ऑनर्स वगैरह, तो यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। इसी प्रकार से कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स लेंगे तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, डायरेक्ट बीए बीकॉम ऑनर्स या फिर अदर प्रोसेस से किए वो आपको लेना है। इसी प्रकार से अगर साइंस हैं तो साइंस के अंदर भी कुछ एक सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे लेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं जनरल यानी टू सब्जेक्ट फॉरम दिस, यानी कि इसमें से कोई भी दो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के अंदर हैं तो आपको लेना है। इसके लिए आप इसकी एक गाइडलाइन भी जारी है, उसको पहले पढ़ के समझ लो अच्छी तरीके से, उसके बाद ये सब्जेक्ट लेना है। तो मैं यहाँ आर्ट्स, ज़्यादातर लोग आर्ट्स से होते तो मैं आर्ट्स लेके बीए ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन स्तर पे यानी कि बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं, तो उस स्तर पे कौन से सब्जेक्ट थे, जो तीन सब्जेक्ट होते हैं तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे ले लेना, जो भी सब्जेक्ट है आप ले सकते हैं आपके जो भी सब्जेक्ट हैं। तो मैं मेरे ले रहा हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट लेने हैं अपनी अंक तालिका के अंदर देखने के बाद। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी अंक तालिका देख ले, ग्रेजुएशन स्तर के जो फाइनल की है अंक तालिका, उसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो आपको लेना है। इसके बाद अगर पीजी कर रखी है तो पीजी का कौन सा सब्जेक्ट था, एक सब्जेक्ट ही होता है, वो आप यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सबसे ज़रूरी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, यानी कौन से सब्जेक्ट के अंदर आप टीचिंग करवाना चाहते हैं, जो आप पढ़ाई करेंगे बी एड के अंदर, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं इसमें से लेना। तो यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है और यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था सब्जेक्ट की गाइडलाइन पढ़ने के बारे में, बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि गाइडलाइन पढ़ लें। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि सोशल स्टडी है तो यहाँ पे इसमें से कोई दो सब्जेक्ट हैं तो देख के आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से तो मैं यहाँ पे अपने सब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो मेरे इसमें से यहाँ पे जो थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर तो मैं ये ले लेता हूँ। इसी प्रकार से मेरे मैथमेटिक्स थी तो मैं मैथमेटिक्स ले लेता हूँ, तो आगे मैं मैथमेटिक्स करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये जो टीचर ट्रेनिंग जो भी आप पढ़ाई करवाना चाहते हैं, जो कि आपके जो पूरा जो सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन स्तर पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट लेने हैं, तो वो आप तीन टीचर ट्रेनिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं, सीआर लेना चाहे तो सीआर भी ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो आपके बीएड के अंदर जो सब्जेक्ट हैं टीचर ट्रेनिंग सब्जेक्ट वो लेने हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन कोई अलग अलग सब्जेक्ट डाल देता है, गलती कर लेता, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी। एक बार आप ऑफिशियल गाइडलाइन भी जरूर पढ़ ले, उसको समझ ले, और उसको समझने के बाद आप यहाँ पे भरे। उसके बाद इनकम भी बिल्कुल सही बननी है, यहाँ पर भी गलती करते तो नुकसान हो जाता है। एनुअल इनकम बिल्कुल सही बननी है। उसके बाद एग्जाम देने के लिए सबसे जो नज़दीकी आपका एग्जाम सेंटर है वो आप ले सकते हैं, दो एग्जाम सेंटर लेने हैं यहाँ पे तो दो एग्जाम सेंटर ले लेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब दोस्तों दसवीं यानी कि सेकेंडरी स्तर कौन से बोर्ड से आपने किए हैं अंक तालिका पे देखेंगे, वहाँ से ले लेंगे। ईयर भी अंक तालिका के ऊपर लिखा हुआ आता है टेंथ के अंदर यानी कि सेकेंडरी। उसके बाद कितने में से अंक थे, तो कुल अंक कितने में से थे वो यहाँ पर लिखने हैं, और कितने नंबर आपने प्राप्त किए ये यहाँ पर लिखने हैं। प्रतिशत अपने आप आ जाएंगे, और देख ले प्रतिशत सही आ रहा है इसका मतलब आपने सही लिखा है। उसके बाद ट्वेल्थ यानी कि सीनियर सेकेंडरी आपने कौन से बोर्ड से की है वो लेना है यहाँ पर, कौन से ईयर के अंदर की है वो यहाँ पे लेना है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क और ऑप्टन मार्क आप यहाँ पे ले लेंगे, तो ये एक एक करके बिल्कुल सही जानकारी आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। अब मैक्सिमम मार्क कितने में से थे और कितने अंक आपको प्राप्त हुए, उसके बाद प्रतिशत आ जाएंगे तो अंक तालिका से मिलान कर ले, सही आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप इस वर्ष आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन रनिंग है तो आपको अपेयरिंग लेना है, ध्यान रखना है। अगर आप की कंप्लीट हो गई है तभी आप पास लेंगे, तो अपेयरिंग लेंगे तो अपेयरिंग के अकॉर्डिंग आप कौन से ईयर के अंदर अपेयरिंग है वे लेना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अपेयरिंग मैंने ले लिया, ये मैंने कोर्स ले लिया बीए, उसके बाद मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी लूँगा, कौन से यूनिवर्सिटी से अपेयरिंग है और अपेयरिंग कब होगी, 2024 के अंदर अपेयरिंग है तो मैं 2024 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क और ऑप्टिमम मार्क प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कंप्लीट हो रखा है ग्रेजुएशन तो आपको पास लेना है, फिर यूनिवर्सिटी लेना है, कौन से ईयर के अंदर पास की है वो लेना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा, तो अच्छे से समझिए यहाँ पे कौन से ईयर, फिर आप यहाँ पे रखेंगे। अगर पास से कंप्लीट हो रखी है ग्रेजुएशन तब आप यहाँ पे सब्जेक्ट कितने में से नंबर थे, मैक्सिमम कितने अंक आपको प्राप्त हुए वो यहाँ पे लिखेंगे, प्रतिशत अपने आप आ जाएंगे, मार्कशीट से मिलान कर लेंगे, सही आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे अगर आपने पीजी कर लगी है पोस्ट ग्रेजुएशन तो यहाँ पे अपेयरिंग है तो अपेयरिंग ले लेंगे, पास है तो पास ले लेंगे। अगर आपने नहीं की हुई है और अपेयरिंग भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप ले लेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस प्रकार से मैसेज आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे, एक बार वापस से फॉर्म की पूरी जांच कर लेंगे ओके पे क्लिक करने के बाद, फिर बिल्कुल सही लगता है कहीं पर गलती नहीं है तो वेरीफाई करना, ध्यानपूर्वक देख लेना है, गाइडलाइन को पढ़ लेना है और उसके अकॉर्डिंग नियम को समझ के यहाँ पे क्लिक करना है।
उसके बाद पेमेंट ऑप्शन आपका आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन के अंदर 500 रुपये का पेमेंट करना है, अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं फीस यहाँ पे दी हुई है। तो पेमेंट करने से पहले इसकी प्रिंटआउट कंट्रोल पी प्रेस करके निकाल लेनी है या फिर सालान नंबर नोट कर लेने हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, तो सालान नंबर नोट कर ले या फिर इसकी प्रिंटआउट निकालने के बाद आपको आगे बढ़ना है। कहीं पर पेमेंट बीच में अटक जाता है तो बाद में आती है समस्या, तो इसके लिए ये काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। उसके बाद यहाँ पे जिसकी प्रिंटआउट निकाल ली, नोट कर लिए नंबर, फिर पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आप पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई का ऑप्शन लेंगे। फिर सबसे आसान है क्यूआर कोड, तो क्यूआर करके प्रोसेस करेंगे और आपको क्यूआर कोड दिखाई देंगे अपने मोबाइल के अंदर। क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा आप बैंक पहुँच जाएंगे और आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल बताएगा। उसके बाद फॉर्म की प्रिंटआउट निकालेंगे। कई बार बैंक आप नहीं पहुँच पाते, उस मामलों में आपको वापस मेन पेज पर जाना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है और सालान का स्टेटस आपको यहाँ पर बताएगा, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि सालान की प्रिंटआउट निकाल लें। तो ये यहां पे बताएगा, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, सालान नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के तो स्टेटस दिखाने लग जाएगा। फिर फॉर्म की प्रिंटआउट निकालने के लिए यहां पे आना है, वापस यहाँ पे सालान नंबर डालेंगे या फिर जनरल डिटेल, यहाँ पे नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे फॉर्म दिखाई देगा और उसकी प्रिंटआउट निकाल लेंगे। तो प्रिंटआउट निकालना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब तक प्रिंटआउट नहीं निकलती तब तक आपका फॉर्म वैध नहीं माना जाएगा। तो प्रिंटआउट जरूर निकाल लेनी है, कई मामलों में बैक आप नहीं आते। फिर यहाँ पे जो पेमेंट किया है उसकी प्रिंटआउट भी जरूर निकालनी है, क्योंकि इसकी बाद में जरूरत पड़ती है। तो पेमेंट की प्रिंटआउट भी यहाँ से आप जरूर निकालेंगे, ये आप कन्फर्म मान के चले। तो ये तरीका था फॉर्म भरने का।